नगर पालिका निगम भिलाई ने तपती गर्मी से राहगीरों को राहत दिलाने के लिए सार्वजनिक शीतल पेयों की स्थापना पूरे निगम क्षेत्र में जगह जगह की है, जिसका लाभ राहगीरों को मिल भी रहा है। भिलाई शहर समाज सेवियों का भी शहर कहा जाता है, और जब भी गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है तो शहर भर के समाज सेवी और समाज सेवी संस्थाएं जगह जगह पर सार्वजनिक प्याऊ बनाकर राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराती हैं। परंतु इस वर्ष गर्मी ने अपने शुरुआती दौर में ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, और अभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक प्याऊ नहीं खोला गया है। ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र में जगह जगह पर इस गर्मी में आवागमन करने वाले राहगीरों के लिए सार्वजनिक शीतल प्याऊ का निर्माण कराया है, जो कि राहगीरों के कंठ को शीतलता प्रदान कर रहा है। और राहगीर भी नगर पालिक निगम भिलाई की इस पहल की दिल से सराहना कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अप्रैल माह में गर्मी को बढ़ते हुए देखते हुए उन्होंने आम जनता को समझा कि प्याऊ के लिए जगह जगह खोलना अनिवार्य है, तो उन्होंने यहाँ पर एक नगर पालिक निगम द्वारा प्याऊ खोला गया, और इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। और जो सेवा संस्था वाले जो प्याऊ खोलते थे वो अभी तक नहीं खोले, वो हो सके बहुत जल्द चालू हो जाएगी कुछ दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर गर्मी के मौसम में ही यह बात साबित होती है कि जल ही जीवन है, और इन बातों को भली भांति समझते हुए निगम भिलाई द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।